दिल्ली के चांदनी चौक में पुनर्विकास योजना के तहत इलाके में बना पुराना हनुमान मंदिर तोड़ दिया गया। भारी फोर्स की मौजूदगी में मंदिर हटाने की यह कार्रवाई शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक चली। मंदिर तोड़े जाने से स्थानीय लोगों तथा हिंदू संगठनों में नाराजगी है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अभी भी चांदनी चौक में भारी पुलिस बल को तैनात रखा गया है। मुख्य मार्ग पर मोती बाजार के सामने स्थित तकरीबन 50 वर्ष पुराना ये मंदिर चांदनी चौक पुनर्विकास परियोजना के आड़े आ रहा था। उत्तरी दिल्ली नगर निगम NDMC की ओर से की गई कार्रवाई के बाद अब BJP और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने ट्वीट कर कहा, भ्रष्टाचार के नशे में चूर BJP की MCD ने प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के मंदिर को भी तोड़ दिया, भगवान माफ नहीं करेंगे। वहीं आप प्रवक्ता आतिशी ने भी ट्वीट कर BJP पर निशाना साधा, लिखा, शायद बजरंगबली ने BJP के पार्षदों को रिश्वत का पैसा नहीं दिया इसलिए उनका मंदिर ना बच पाया। इसके उलट उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने दिल्ली सरकार पर मंदिर तोड़ने का आरोप लगाया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा चांदनी चौक का पुनर्विकास किया जा रहा है, उसके तहत दिल्ली सरकार कोर्ट गई जिसमें अतिक्रमण हटाने की सिफारिश की थी। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने मंदिर को तोड़ने के लिए BJP और आम आदमी पार्टी दोनों को जिम्मेदार ठहराया। कहा, पाकिस्तान की तरह दिल्ली के चांदनी चौक में भी प्राचीन हनुमान मंदिर को रातों रात तोड़ दिया गया। पाकिस्तान में जो उपद्रवियों ने मंदिर तोड़े वहां पे और दिल्ली में मंदिर तोड़े जाने में क्या अंतर है? बस अंतर यह है कि यहाँ के BJP के लोग एफिडेविट देते हैं तोड़ने के लिए और आम आदमी पार्टी के लोग भी संरक्षण करते हैं, वो सरकार संरक्षण करती है। आप और BJP ने बहुत बड़ा पाप किया है, राजनीतिक स्वार्थ में प्राचीन हनुमान मंदिर को तोड़ने का काम किया है चांदनी चौक में, वो बहुत ही लज्जाजनक है, शर्मनाक है और निंदनीय है। दरअसल इस हनुमान मंदिर समेत चांदनी चौक में अन्य धार्मिक अतिक्रमणों को हटाने का आदेश हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में ही दिया था। इसके बाद से मंदिर को बचाने के लिए भी कई प्रयास हुए थे, मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था। यही नहीं, पिछले 15 दिनों से भक्तों द्वारा यहां नियमित तौर पर हनुमान चालीसा का भी पाठ किया जा रहा था। शनिवार रात्रि भी पाठ चल रहा था जिसमें चंद श्रद्धालु मौजूद थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात्रि 11 बजे अचानक 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स व 2 कंपनी पुलिस जवानों के साथ जिला पुलिस पूरे चांदनी चौक में फैल गई। लोगों ने विरोध जताने और मंदिर तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने किसी को गलियों और मुख्य मार्ग तक नहीं पहुंचने दिया। यह उठापटक पूरी रात चलती रही। आखिरकार भारी बारिश के बीच नगर निगम के दस्ते ने सुबह 6 बजे करीब मंदिर तोड़ने का काम शुरू किया जो तकरीबन 2 घंटे तक चला। मंदिर को तोड़ने के बाद तत्काल ही उसका मलबा भी हटा दिया गया और सड़क बना दी गई।